शादी हैं चल रही हैं, शादियों का सीज़न चल रहे हैं, अभी रमज़ान चल रहे हैं, इसके बाद मुस्लिम्स में भी शादियां शुरू हो जाएंगी। शादियों का प्रोसेस में एक अहम चीज़ होती है शादी का कार्ड। कहीं भी शादी होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, शादी के कार्ड के ज़रिए जो है लोगों को इनवाइट किया जाता है और लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर एक युवक को शादी का कार्ड छपवाने पे गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक युवक को शादी का कार्ड छपवाने पे गिरफ्तार कर लिया गया। तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि उस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और लोग भी शादी के कार्ड देते हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया जो कि उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। बात है ये कि उस युवक के दोस्त विवेक जो है चुनाव लड़ रहा है, तो फिरोज़ ने शादी के कार्ड में एक, नीचे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर, कि शादी के कार्ड में वो अपील कर रहा है कि अपने दोस्त विवेक को वोट दिया जाए। तो उसने शादी का कार्ड छपाया, शादी के कार्ड पे एक नीचे एक कॉलम में उसने एक कॉलम बनवाया जहाँ पर उसने जो है वो वोटर से, अपने जो भी गांव है उनके वोटर से अपील कर रहा है कि वो विवेक को वोट दें। ये कार्ड जो है वो वायरल होने लगा, वायरल होते होते जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के पास भी पहुंचा। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने जो है इसकी जांच की, इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने को ये पाया कि इसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराई, और पुलिस में रिपोर्ट के बाद फिरोज़ की जो है वो गिरफ्तारी हो गई। जी हाँ, फिरोज़ की शादी से पहले गिरफ्तारी हो गई और फिरोज़ को जो है वो थाने ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद फिरोज से पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद जो है हालांकि फिरोज को छोड़ दिया गया है, हालांकि फिरोज की ज़मानत हो गई है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मामला है, ये हैरत ज़्यादा करने वाला मामला है कि लोग जो है इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं, लोग दोस्ती निभाने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा और इससे पहले भी देखा कि वो क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान, एक आम युवा भी इस तरह की अगर हरकत करेगा तो कैसे काम चलेगा। फिर किसी और इसी तरह की न्यूज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।